ग्राम पंचायत बलीचा के स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत बलीचा के स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंप कर उन्हें मकानों के पट्टे देने की कार्रवाई में रोक लगाने की घटना को कुछ लोगों द्वारा की गई श्रेष्ठता पुण्य के नतीजे बताए और इस कार्रवाई को पुण्य शुरू कर उन्हें शीघ्र मकानों के पट्टे देने की मांग की है। ज्ञापन देने आए स्थानीय लोगों का कहना है कि 24 फरवरी को 2023 को कार्यालय कलेक्टर से निकाले गए आदेश की पालना में अविलंब अग्रिम कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके मकानों के पट्टे दिए जाए। ग्राम वासियों का कहना है कि कुछ लोगों ने गलत जानकारी देकर इस कार्रवाई को रुकवाया है। उनका कहना है कि इस जमीन पर वह 50 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टता के चलते कुछ लोगों ने झूठी शिकायत कर इस कार्रवाई को रुकवा दिया। बलीचा वासियों की मांग है कि इस कार्रवाई को शीघ्र पूरा कर उन्हें मकान के पट्टे। हुकम, मेरा नाम मेघराज है, मेघराज है, सरपंच मैं नहीं हूँ, सरपंच पति हूँ। इसलिए कि हमारे पट्टे का मामला है, जो आबादी करवाई है तो वो आबादी अब नामांकन नहीं खोलना था, हमारा सब काम हो गया, भैया ने करवाया था, अगर पर कोई बाहर के आके उन लोगों ने यहाँ पे आके आपत्ति दर्ज करवाई है, वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो बाहर के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रहने वाले सब ये पब्लिक खड़ी है, ये आपके सामने है, इसलिए है सब स्थानीय है, यहाँ के सौ वर्षों से रहने वाले हैं यहाँ पे, यूनिक झूठी बात नहीं है, इसलिए भाई इनको वाजिब इनको पट्टा मिला जाए, हमारा यही कहना है जी। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी।